फ्लूड व्हेनेवर देयर वाज अ हाइपो ऑस्मोटिक स्ट्रेस और अ हाइपर ऑस्मोटिक स्ट्रेस व्हाट द सेल विल डज इट इज गोइंग टू डू सम मॉडिफिकेशन विद एक्वापोरिन राइट सिमिलरली द सेल कैन ऑल्सो डू सम मॉडिफिकेशन विद द इंटरनल सोल्यूट बैक्टीरिया एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब द प्रेशर इनसाइड द सेल बैक्टीरिया क्या करती है अपना हमेशा अंदर का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा हाई रखने की कोशिश करती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल द सेल विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर हाई एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल सो फॉर डूइंग दिस व्हाट द सेल कैन डू To keep it high osmolarity, it has to keep less water, but that's not possible, right? But what the cell will do, it will adjust its solute. वो अपना सोल्यूट को हाई करता है अभी इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने से क्या होगा ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस मतलब फॉरवर्ड ऑस्मोसिस दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर बाय इटसेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से वाटर अंदर बाहर जा सकता है जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया था साबुदाने का जब आपने उसको पानी में डाला था तो वाटर वॉज नॉट वेटिंग फॉर एनीबडीज परमिशन राइट इट डायरेक्टली वेंट इनसाइड बिकॉज इट नोज इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो सो द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से या फिर ऑस्मोसिस से वाटर विल एंटर द सेल नाउ वी वॉन्ट द सेल टू हैव वाटर वाटर शुड एंटर द सेल फ्रॉम आउटसाइड because all metabolic reactions take place inside the cell with the help of water alone ठीक है तो सेल में हमेशा वाटर थोड़ा बहुत अंदर जाना ही चाहिए इसलिए सेल क्या करती है अपना प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रखती है मतलब अंदर का सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वो हाई रखती है बिकॉज वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो टू हाई सो इफ इंटरनल इज हाई वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट टू इनसाइड द सेल बट नाउ दिस फ्लो इज नॉट अ गशिंग फ्लो This flow is not gushing flow because ये forced वाला flow नहीं है because यहाँ पे stress नहीं रहता है ठीक है stress कब होता है when there is something which cannot be prevented there is no stress here the cell में ये जो water है it is going to enter with the help of osmosis simply enter होगा when your water enters your साबुदाना it is not going to go with the pressure or a force right if it was about to go by a force you could have got that साबुदाना ready within few minutes but you have to soak it overnight If I know to prepare any dish from it. So hence it is not by a force. Okay? अब यहाँ पे आपको एक और वर्ड दिख रहा है इंटरनल टर्गर प्रेशर नॉट टर्गर प्रेशर इज सेम एज ऑस्मोटिक प्रेशर फाइन टर्गर प्रेशर आप जब प्लांट्स की या फिर सेल्स की फिजियोलॉजी पढ़ा होगा आपने वहां पर सुना होगा टर्गर प्रेशर इट इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बट इट इज सिमिलर टू ऑस्मोटिक प्रेशर हम अभी मान के ऐसे चलेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ही है बिकॉज कंसेप्ट तो सेम है ठीक है So cell always needs कि water should enter the cell at any cost every time normal water should enter the cell. So इसलिए अपना क्या करती है वो अपना solute concentration little high. It is not going to be very high but little high than the environment. ऐसे करने के लिए cell को क्या करना होगा It has to accumulate solutes. है ना अंदर solutes का concentration high रखना होगा And now what all solutes this particular cell is going to accumulate? Example is over here, you have K plus, glutamate, glutamine, proline, trihalose and betaine. ये सारे molecules हैं, कुछ ions हैं, ये glutamate, glutamine, proline जो है ये सारे चीजें क्या होती है amino acids है trihalose is a carbohydrate, betaine is a vitamin molecule. ये सारे चीजें हैं ये सारे चीजों को वो accumulate करके रखता है so that their concentration will be a little more higher than inside than outside water will always flow from low to high that is clear right so cell ko kya chahiye na cell ko chahiye ki water jo hai wo hamesha usko available ho available kahan se hoga environment se hoga so it wants that water should enter the cell by itself without any force without any pressure it should enter by itself अगर वाटर बाहर से अंदर आना चाहिए तो अंदर क्या होना चाहिए उसका हाई होना चाहिए सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन तो वो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखने के लिए सेल क्या करता है सोल्यूट को अक्यूमुलेट करके रखता है सेल के अंदर ओके एंड दोज आर द एग्जांपल्स वी हैव के प्लस ग्लूटामेट ग्लूटामिन प्रोलिन ट्रिहैलोज बीटेन तो ये सारे सोल्यूट को सेल अक्यूमुलेट करके रखता है ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर से ज्यादा होगा अंदर ज्यादा होगा इससे क्या होगा वाटर विल कीप ऑन एंटरिंग द सेल इट विल फ्लो ऑन एंटरिंग द सेल थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज नो प्रेशर हियर
okay, there is no pressure just enters the cell. Okay, now let's see if there is a sudden decrease in external osmotic pressure. If there is sudden decrease in external osmotic pressure, मतलब बाहर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर वहां उसमें एक सडन डिक्रीज है, मतलब डिक्रीज का मतलब सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो टू हाई, यस और नो? सो ऑल द वाटर ना सडन जब बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर आ जाता है ना. अब तक तो लो ही था, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वॉज गेस, इट वॉज लो आउटसाइड हाई इनसाइड, बट इट वॉज नॉट हैविंग एनी प्रेशर, इट वॉज नॉट हैविंग मच डिफरेंस. So water was flowing by osmosis, but now there is a sudden decrease. बहुत ज्यादा कम हो गया बाहर, जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा outside, water now will go inside, and now there is a pressure. Now when there is a pressure, there will be sudden increase in the influx. Influx मतलब inside, movement flow inside. Okay? So when there is अ सडन डिक्रीज इन द एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब बाहर का सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो जाएगा अचानक, तो क्या हो जाएगा, वॉटर विल नाउ एंटर द सेल एंड देयर विल बी ओवर एक्सपेंशन एंड द लिसिस ऑफ द सेल. इसको कहते हैं हम लोग हाइपो ऑस्मोटिक स्ट्रेस या फिर हाइपो ऑस्मोटिक शॉक. इसके बारे में हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था कि क्या हो जाता है कि सेल ने अभी क्या किया, उसने अंदर उसने सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन हाई तो रखा है, पानी आराम से फ्लो होता है अंदर, बट इफ इन केस सडन डिक्रीज हो जाएगा आउटसाइड में तो क्या हो जाएगा, सडनली दिस वाटर कैन एंटर द सेल एंड द सेल कैन डाई बिकॉज ऑफ हाइपो ऑस्मोटिक स्ट्रेस. सो नाउ टू प्रिवेंट दिस वी हैव आवर मैकेनो सेंसिटिव चैनल. सो व्हाट इज द रोल, इट्स रोल इज देयर इन व्हेन देयर इज अ सडन डिक्रीज. सो अभी हमने देखा कि वाटर वॉज फ्लोइंग वेरी स्लोली इन साइड, बट नाउ देर इज अ सडन डिक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉटर इज गोइंग टू एंटर द सेल बाय अ फोर्स. देर इज अ इश्यू वेर सेल को एक स्ट्रेस आ गया है कि वॉटर एंटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल कैन डाई बिकॉज ऑफ लिसिस. नाउ टू प्रिवेंट दैट वी हैव मैकेनो सेंसिटिव चैनल. उस कंडीशन में दिस पर्टिकुलर चैनल आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, बट दे ओपन, दे आर ऑलवेज क्लोज. So they open only when there is hypoosmotic stress. मतलब there is a problem कि water अभी enter हो जाएगा. So you can just relate in this manner. Just imagine a boat or a ship in a water, and that ship has got a crack or it has got a hole. So when there is a hole आ जाता है या फिर एक crack आ जाता है, क्या हो जाएगा, water अभी gushing के through अंदर आने वाला है ना. तो उस type के conditions में what happens, your mechano sensitive channels is going to open. Okay, they will open, and what they will do, they will provide a means for internal solutes to rapidly exit the cell. मतलब अभी उसने सेल ने जो सोल्यूट को जमा करके रखा था ना, पानी अंदर क्यों आ रहा है, बिकॉज अंदर सोल्यूट ज्यादा है ना कंपेयर टू आउटसाइड. सो नाउ वॉट इट विल डू, इट विल टेक ऑल द सोल्यूट, इट विल ओपन दिस मैकेनो सेंसिटिव चैनल एंड थ्रो दो सोल्यूट आउटसाइड द सेल. ओके, वॉट द सेल विल डू, it will throw this particular solute or the solute this was rapidly rapidly bahut force ke through, because once hypoosmotic stress detect ho jata hai, immediately cell is going to signal your mechano sensitive channels to open and your internal solutes are going to exit the cell. Okay, thus there is a lower internal osmotic pressure and then it will कम करेगा, अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर को कम कर देगा, इससे क्या हो जाएगा, पानी का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा एंड द सेल कैन सर्वाइव दिस डिजास्टर. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन अ बोट एंड इफ यू फील दैट बोट ज्यादा हैवी हो गया है, पानी अंदर आने वाला, हम डूबने वाले तो क्या करते हैं, सामान जो होती है ना बोट उसको बाहर फेंक देते हैं, है ना. यू हैव सीन दैट थिंग इन मूवीज और समवेयर, वी विल थ्रो ऑल द हैवी लगेजेस आउटसाइड द बोट. व्हाई? सो दैट बोट विल नॉट सिंक इन द वॉटर, है ना. तो इसी तरह का प्रोसीजर यहाँ पे बैक्टीरिया भी करता है, इवन दो दिस बैक्टीरिया इज वेरी स्मॉल, आई सी हाउ इट हैज इट्स मैकेनिज्म इज सो वंडरफुल, राइट. सो इन प्रोसेस ऑफ हाइपो ऑस्मोटिक स्ट्रेस, इट विल ओपन दिस मैकेनो सेंसिटिव चैनल एंड इट विल गोइंग टू अलाउ दिस इंटरनल सोल्यूट टू रैपिडली एग्जिट द सेल एंड दस इट विल लोअर द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स है, इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, आपको मिलेंगे, आपको आर्किया मिलेंगे. आर्किया इज अ प्रिमिटिव बैक्टीरियम, यू हर्ड अबाउट आर्किया, दे आर
present in extreme conditions like thermophiles, saprophiles, halophiles, methanogens. तो ये सारे बैक्टीरिया आर्किया के अंदर आते हैं. तो उस टाइप के बैक्टीरिया एज वेल एज बैक्टीरिया में ये मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ इफ यू जस्ट चेक अबाउट ई कोलाई में भी थ्री ऐसे चैनल्स हैं, मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स. उसके नाम है MSC मतलब मैकेनो सेंसिटिव चैनल, L, देन L मतलब लार्ज. ओके, एंड देन इट हैज अ स्मॉल चैनल कॉल्ड MSCS एंड अ मिनी चैनल कॉल्ड एज MSCM. सो लार्ज चैनल इज कॉल्ड एज MSCL, स्मॉल चैनल इज कॉल्ड एज MSCS एंड द मिनी चैनल कॉल्ड एज MSCM. द टाइप ऑफ मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स प्रेजेंट इन ई कोलाई.